नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं जीटीवी भारत बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में स्थितियां कोरोना को लेकर खराब चल रही हैं, लेकिन इस बीच बिहार में होगा लॉकडाउन या फिर होगा अनलॉक। तो बड़ा सवाल यह है कि बिहार में रहेगा लॉकडाउन या फिर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। लॉकडाउन को लेकर आज हो सकता है बड़ा फैसला। आपको बता दें कि आज आपदा समूह की अहम बैठक में लॉकडाउन को लेकर निर्णय की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में लॉकडाउन पर बड़ा फैसला आ सकता है। पहले लगे लॉकडाउन 25 मई को खत्म हो रहा है, पहले जो लॉकडाउन लगा था वो 25 मई को खत्म हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में रहेगा लॉकडाउन या फिर होगा अनलॉक, इस पर अब संशय अभी भी बरकरार है। लेकिन आज इस बैठक में जो होने वाली है, उस बैठक में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। हमारे साथ हमारे संपादक राजेश ऑनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। और राजेश, स्थितियां ये हैं कि लॉकडाउन रहेगा या फिर अनलॉक की प्रक्रिया? नहीं, देखिए ये कंफर्म है कि लॉकडाउन रहेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि पिछले दिनों जो चीफ सेक्रेटरी है यहाँ के सेतुवाल शरण जी, उन्होंने जो तमाम जिलाधिकारियों से उन्होंने बातें की थी और बैठक हुआ था, उस बैठक में तमाम जिलाधिकारियों ने कहा था कि बिहार में लॉकडाउन बढ़ाए रखने की जरूरत है। वैसे में आपसे कुछ ही देर के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक होने वाली है, उसमें चीफ सेक्रेटरी अध्यक्षता करेंगे। और इस बैठक के बाद देर शाम तक उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन की जो तारीख है वो तय कर दी जाएगी। हालांकि 4 जून को लेकर बातें की जा रही है कि 4 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जाए। वैसे स्थिति में लॉकडाउन नहीं रहने का तो सवाल नहीं है, लॉकडाउन रहेगा। हो सकता है थोड़ी सी छूट दी जाए, लेकिन जो तारीख को तारीख की जो बात है, तारीख को लेकर ऐलान होना बाकी है। बाकी लॉकडाउन की स्थिति जो है पूरी तरह से बरकरार रहेगी, क्योंकि सरकार को अच्छी तरह से पता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था शनिवार को कि लॉकडाउन की वजह से बिहार में कोरोना का जो संक्रमण दर था वो कम हुआ है। जो फैलाव का कोरोना का लगातार बन रहा था उसमें कमी आई है। इसलिए सरकार अभी कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगी जिससे कि एक बार फिर कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है तेज हो जाए। वैसे स्थिति में सरकार के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। और लोग जो कह रहे हैं, लोगों का भी मानना है कि लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना पर अगर विजय प्राप्त करना है तो लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी एक बड़ी चुनौती है, वो है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस को लेकर भी सरकार परेशान है, आम आवाम प्रभावित हो रहे हैं। वैसे में लॉकडाउन खोलने का कोई वक्त नहीं होता है। हाँ, तारीखों को लेकर एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन बना रहेगा। फिलहाल इस क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक अब से कुछ ही देर के बाद होने वाली है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी रहेंगे और तमाम बिहार के आला अधिकारी, डीजीपी से लेकर तमाम आला अधिकारी बैठेंगे और तय किया जाएगा कि कितनी तारीख तक और क्या छूट दी जाए और कितनी सख्ती बरती जाए। ये तमाम विषय पर बातचीत होगी और देर शाम तक उम्मीद की जा रही है कि बिहार सरकार के द्वारा ये ऐलान कर दिया जाएगा। अब बिल्कुल राजेश, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, हालांकि मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो पिछले साल के अनुभव रहे होंगे या लॉकडाउन को जिस तरीके से आपने देखा है, इस बार के भी लॉकडाउन को देखा है, क्या आप लगता है कि यहाँ से कुछ समय में बदलाव कर सकती है सरकार किसी तरीके से? जैसे सुबह में दुकानें खुलती थी तो हो सकता है शाम में भी कुछ समय के लिए दुकानें खोल दी जाए। नहीं, शाम में दुकान खोलने की उम्मीद नहीं है। हाँ, आपको याद होगा इससे पहले जो हुआ था वो 11 बजे तक दुकानें खुली थी, बाद में फिर इसे 10 बजे तक कर दिया गया और ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 12 बजे तक का कर दिया गया। हो सकता है शहरी इलाके में 10 की जगह 11 कर दिया जाए, लेकिन शाम में दुकानें खोलने की बात नहीं है। वो इसलिए बात हो रही है क्योंकि अभी भी जो सवेरे जो दुकानें खुलती हैं, जो बाजार खुलता है, वहाँ आप देखेंगे हाट बाजार में बड़ी संख्या में भीड़ होती है और वो बड़ा खतरनाक दृश्य होता है। आप किसी भी हाट बाजार में चले जाए और वहाँ देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आम दिन की तरह बाजार लोग करते हैं, उसी तरह से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और जहाँ इकट्ठा होंगे वहाँ संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। वैसे स्थिति में शाम में जो खोलने की बात आप कह रहे हैं, बाजार खोलने की बात, चांस कम है कि शाम में बाजार पर सरकार खोलने का निर्णय ले। हाँ, सवेरे का जो समय है, समय को लेकर थोड़ा आगे किया जा सकता है, 11 बजे तक रखा जा सकता है। थोड़ा समय में बदलाव हो सकता है और थोड़े समय का इंतजार और कीजिए। उसके बाद जैसे ही ये बैठक खत्म होगी, जो आपदा प्रबंधन के साथ बैठक होती है, और उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया जा सकता है।